हाँ तो देखिए बच्चों, इसमें साखियाँ साखियाँ सात सात दोहे हैं इसमें, तो सात समझने में बहुत वक्त लग जाएगा, इसलिए हम लोग तीन आज पढ़ते हैं, कल चार पढ़ लेंगे। तो पहला है मान सरोवर सुभर जल, हंसा कील कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। तो मान सरोवर, यहाँ पर दो अर्थ हैं, एक तो मान सरोवर एक झील भी है जिसमें कि सुंदर जल भरे हुए हैं और उसमें हंस कीड़ा कर रहे हैं और वे मुक्ता फल अर्थात कमल नाल को चूकते हैं, वो उड़ करके कहीं नहीं जाते, एक अर्थ ये है। लेकिन कबीर का भाव यहाँ ये है कि जो हृदय रूपी मान सरोवर है उसमें सुंदर जलों से अर्थात ईश्वर की भक्ति से लबालब भरे हुए हैं और आत्मा रूपी हंस उसमें कीड़ा करते हैं, खेला करते हैं या उसमें आनंदित होते हैं और उसमें ईश्वर रूपी प्रसन्नता का, उनके आनंद का जो है कमल के समान कोमल भावों का जन्म होता है और उसमें इतने आनंदित हो जाते हैं कि उसका आत्मा रूपी हंस उड़ करके कहीं नहीं जाते हैं, अर्थात तो उनके शरीर को छोड़ करके जाना नहीं चाहते। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा पहला दोहा, दोनों अर्थ को सम लिखेंगे, जब भी लिखेंगे पहले ये शाब्दिक अर्थ क्या है और भाव क्या है कवि का। दूसरा है प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। कबीर कहते हैं कि प्रेमी अर्थात ईश्वर से प्रेम करने वाला को जब मैं प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी मिले न कोट, प्रेमी को प्रेमी मिले सब भी समृद्ध हो। कबीर दास जी कहते हैं कि प्रेमी को जब मैं ढूंढने गया तो कोई प्रेमी नहीं मिला। यह प्रेमी तात्पर्य यह है कि ईश्वर से प्रेम करने वाला, ईश्वर को के प्रति श्रद्धा रखने वालों को जब मैंने तलाशने निकला तो कोई मुझे सच्चा प्रेमी दिखाई नहीं दिया। परंतु जब प्रेमी को प्रेमी मिले, जब प्रेमी से प्रेम करने वाले से प्रेम करने वाले मिल जाते, जिसका जिसे प्रेम करने वाला हो और उस एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से मिल जाते हैं, तो कबीर कहते हैं कि सब विष अमृत, जो उसके मन में जो क्रोध था, जो ईर्ष्या थी, घृणा थी, वो सारे विष जो है वह समाप्त होकर के अमृत के समान हो गया। अर्थात वो सारी पीड़ाएँ जो उसके खोजने में जो उन्हें पीड़ा हुई थी वह पीड़ा खत्म हो गई और उसका विष जो है अमृत के समान हो गया। तीसरा दोहा है हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुनिचा डार, स्वर्ण रूप संसार है भूकन दे झक मारी। कबीर कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कबीर कहते हैं कि ज्ञान रूपी हस्ती पर, हस्ती में ना ऐसे हाथी होता है, तो यहाँ पर किस हाथी की बात हो रही है, तो ज्ञान रूपी हाथी पर सहज दुलीचा डार, मैंने सहज से आसानी से सहज भाव से दुलीचा डार करके, दुलीचा मैंने होता है कालीन या उसके ऊपर जो झूल डाला जाता है हाथियों के ऊपर या घोड़े ऊपर देखें बैठने के लिए जो डाले जाते हैं तो उसी को कहते हैं दुलीचा, तो कालीन पर, तो ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना चाहिए आसानी से सहज भाव से ही, उसमें दुलीचा डार करके ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना चाहिए। इसके लिए यदि संसार के लोग कुछ बोलते हैं तो यह समझ लो कि यह संसार कैसे हैं, तो स्वर्ण रूप है, कुत्तों के समान है, आप अच्छे करेंगे तब भी वह भौंकता है और बुरे करेंगे तब भी वह भौंकता है, किसी भी स्थिति में वो भौंकना उसका कार्य है, भौंकेगा ही। इसलिए जिस तरह से हाथी चलने से कुत्ते भौंकते रहते हैं लेकिन फिर भी हाथी मस्त में चलता रहता है, उसी प्रकार से ज्ञान को प्राप्त करने के समय जो भी संसार के लोग भोंकते हैं या आपको कुछ कहते हैं तो उसकी परवाह ना करते हुए अपने ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास करते रहना चाहिए। यहाँ पर कबीर यही कहना चाहते हैं कि स्वर्ण रूप संसार है भूकन दे झक मारी, यह भोंकता रहता है, झक मारता है, व्यर्थ में अपना समय गंवाता है और दूसरों को देख करके वह इसे बकबक करता ही रहता है, इसलिए आप उसकी परवाह ना करके अपने कार्यों में, अपने ज्ञान प्राप्ति के कार्यों में सदा संलग्न रहें। धन्यवाद।